वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तो कुछ दिन पहला गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब समुचे संसार अंदर बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया है। गुरु नानक पातशाह समुची मानवता के रहबर हैं, क्योंकि उन्होंने विचारधारा किसी कौम या देश तक सीमित नहीं, बल्कि समुचे संसार नू अपनी गलवकड़ी विच लैंदी है। तद ही भाई गुरदास जी लिखते हैं, जाहर पीर जगत गुरु बाबा। गुरु नानक पातशाह 500 साल पहला ही मनुख नू आदर्शक जीवन जात सिखा के गए ने कि समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अते धार्मिक पद्धर उत्ते जीवन नू किवें जीवना है। ये साढ़े जीवन के चार पहीए हैं। अगर एक भी पहीया डामाडोल हुंदा है तां असी अपने जीवन नू सही राह उत्ते नहीं तोड़ सकते। अज जद असी अपने जीवन नू वेखते हाँ तां साढ़े जीवन अंदर बहुत सारिया गिरावटां आ चुकियां ने। इन्हां चारां पहलुआं नू बराबर रखना साढ़े लई बहुत जरूरी है। अज पूरे भारत के अंदर किसान आर्थिक अते राजनीतिक पद्धर उत्ते संघर्ष कर रहे ने। ये सब इसलिए वापर रहा है क्योंकि अज असल राजनीति विचों सच बोलना, सच कहना, सच लई जूझना, झूठ ते बेइंसाफी खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सब चीज़ां अज भारत की राजनीति अंदरों अलोप हुंदियां दिखाई दे रही ने। गुरु नानक पातशाह जी ने 500 साल पहला ही राज करन यानी कि राजे की परिभाषा सानू सिखा दित्ती सी कि राजा किस तरह का होना चाहिए है। असीं गुरबाणी अंदर पढ़ते हाँ, तख्त बहि तख्ते की लायक। जिहड़ा तख्त उत्ते बैठा होवे वह उस तख्त के लायक होना चाहिए, भाव कि उसके अंदर वह सारे गुण होने चाहिए ने जिसके नाल वह प्रजा नू खुश रख सके। पर आज जो डेमोक्रेटिक सैटअप भारत के अंदर नज़र आ रहा है, यही डेमोक्रेटिक सैटअप आज तो हज़ारा साल पहले भी सी, जब समाज गुलामी दी जंजीरां विच जकड़िया होया सी। अज जद असी भारत के अंदर उस राजनीति नू वेखन की कोशिश करते हाँ जो राजनीति होनी चाहिए सी, अज वो राजनीति नज़र नहीं आ रही। गुरु नानक पातशाह गुरबाणी अंदर फरमाउंदे ने, कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसे नाही कह चढ़िया, हम भाल विकुन्नी होई अंधेरा रह न कोई। पहला भी राजा प्रजा का खून चूस रहा सी, सच अलोप हो चुका सी, हर तरफ जुल्म पैर पसार रहा सी। कल आई कुत्ते मुई खाज हुआ मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमावंदे उल्टी वाट खेत को खाई। आज भी राजा प्रजा का खून चूस रहा है। अज तो प्रजा राजा तो प्रजा लई वाड़ हुंदा है, उसकी राखी करता है, पर अज का राजा राजे शी मुकदम कुत्ते वर्गा बन चुका है। किसान नू अन्नदाता आख्या जाता है, भावें दाता देन वाला परमात्मा वो आप है, पर उन्हां दाता नू अमली रूप किसान देंदा है। किसान खेत के अंदर मेहनत करके अन्न पैदा करता है। किसान की मेहनत करके ही अज पूंजीपतियां दे घर भी दो वक्त की रोटी बन पाती है। किसान अज सड़कां उत्ते संघर्ष कर रहा है, पर अज दा राजा ये समझ रहा है कि जो कुछ वह कर रहा है उस विच प्रजा की खुशी है। उसनू ओ समाज सड़कां उत्ते नज़र नहीं आ रहा जो ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी, इत्थे तक कि उमरा की परवाह छड़ के भी अज अत की ठंड विच सड़कां उत्ते अपने हकां लई संघर्ष कर रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल जम्मू दा हर मैंबर किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ा है, इस संघर्ष की पूरी हिमायत करता है। परमात्मा अगे किसानां दी चढ़दी कला लई अरदास भी करते हाँ। उत्थे ही भारत सरकार नू कहना चाहवांगे कि सरकारां दा अस्तित्व आम इंसान करके है। अज देश दा आम इंसान किसान दे रूप विच संघर्ष लई खड़ा है। जय जवान जय किसान दा नारा बुलंद किया जाता है, पर अज दोवे एक दूजे दे आमने सामने खड़े हो चुके हैं। राजे दा काम प्रजा दे हकां दी राखी करनी है, इसलिए सरकार नू चाहिदा है, सरकार अगे अपील करदे हाँ कि किसानां दे हकां नू वापस दे के समाज नू तरक्की वल ले जाण दा काम करे। उम्मीद है सरकार 3 ऑर्डिनेंस बिल नू जिन्हां नू काले कानून दा नाम दिता गया है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।